नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई मैं आपके सामने ये देखिए बहुत ही प्यारा और झटपट बन जाने वाला बड़ा ही प्यारा एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी पैटर्न में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो ये जो पैटर्न है ये 8 रो को हमने रिपीट करना है और ये आसानी से बन जाता है। राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमने 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और उसके बाद इस डिज़ाइन को बनाते हुए शिफ्ट करते जाना है और ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। तो मैं इसको एक ही रंग से बना रही हूँ, तो ये देखें रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है। इसे आप अपने कार्डिगन पे, जैकेट्स पे, जेंट्स स्वेटर पे, लेडीज़ कोटी पे, किसी पे भी बना सकते हैं। और राइट साइड से इस तरह से इसकी लुक आती है। 3 के मल्टीपल के हिसाब से हमने फंदे लेने हैं और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं लास्ट में, जो कि हमारे एजिंग के लिए आएंगे। तो उस हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार जितने फंदे आपके पास हैं 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदों को बांट लेना है और 2 एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो बड़ा प्यारा ये इस तरह से उभरा उभरा सा बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आता है। मैंने इसको वाइट कलर से बनाया है, आप आपको अपनी मर्जी से किसी भी रंग से इसको बना सकते हैं। राइट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे और हम इसको 8-8 सिलाइयों के बाद इसको रिपीट पैटर्न करेंगे और उसके बाद ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए सिलाई पे मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। तो आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाना है, जिस पे भी आप इसको बनाने जा रही हैं, पहले आप बॉर्डर बनाएं और उसके बाद इसको राइट साइड से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। तो 6 बार ये डिज़ाइन बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 के मल्टीपल के हिसाब से 18 फंदे ले लिए हैं और 2 एजिंग के फंदे ले लिए हैं, तो 20 फंदे टोटल हैं। तो रो 1 हमारी आ गई, राइट साइड से हमने रो 1 स्टार्ट करनी है। एजिंग का एक फंदा हमने स्लिप किया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। धागे को पीछे वाली तरफ करके एक फंदा हमने सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये देखें, एक फंदा हमने उल्टा बुना, एक सीधा बुना और 2 उल्टे बुने। फिर उसके बाद यहाँ से 3 फंदों का रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, एक सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जब हमने उल्टे फंदे बुनने हैं तो धागे को अपनी तरफ कर लेना है, जब सीधा बुनना है तो धागे को पीछे कर लेना है। तो यहाँ से 3 फंदों का ये रिपीट डिज़ाइन जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक फंदा सीधा बनाएंगे और 2 उल्टे बन जाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए इन 3-3 फंदों को रिपीट करते जाएंगे और अपना ये फर्स्ट रो जो है पैटर्न की राइट साइड हमने कंप्लीट कर लेनी है। एजिंग का लास्ट फंदा हमने सीधा ऐसे ही बना लिया, तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखें, ये देखिए सामने देख रहा है सीधा और उल्टा फंदा हमने किस तरह से बनाया। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई, रो 2। यहाँ पे हमने स्लिप किया पहला एजिंग का फंदा, एक फंदा हमने अब सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, फिर धागे को पीछे करके अगले 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो यहाँ से ये 3 फंदों का रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखें, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बस इन्हीं 3 को हमने रो 2 में रिपीट करते हुए जाना है, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे। इस तरह से हमने रिपीट करते हुए सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है।
हेजिंग का हमने उल्टा फंदा बुन लिया और हमारी रो टू कंप्लीट हो गई। अब आगे हमारी राइट साइड थर्ड रो, अब देखें एजिंग का एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, अगला फंदा हमने सीधा बुनना है और धागे को आगे करके आगे दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब ये तीन फंदे जो हैं जैसे हमारी रो वन थी वैसे ही हमने रो थ्री में कंप्लीट करना है, वैसे ही एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, तो रो वन की तरह रो थ्री सेम बनेगी। रो थ्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गई रो फोर। रो फोर हमने सेम रो टू की तरह बनाना है, एक फंदा स्टार्टिंग में हमने सीधा बनाना है। जब हमने ये दो सिलाइयाँ बना लेनी है उसके बाद हमें फंदे खुद ब खुद देखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो फंदा उल्टा दिखता है उसको उल्टा बना लेंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा ही बना लेंगे। जैसे रो टू हमारी बनी थी वैसे ही रो फोर को हम बनाएंगे। तो रो फोर में तीन फंदों को रिपीट करेंगे, एक उल्टा बुनाएंगे और दो सीधे बनाएंगे। अब आ गई हमारी रो फाइव। रो फाइव को हम सेम बनाएंगे रो वन की तरह। ये सीधा दिख रहा है फंदा तो इसको हमने सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ किया, दो उल्टे दिख रहे हैं दोनों को हमने उल्टा बना लिया। जैसे जैसे ये पैटर्न चढ़ता जाता है वैसे ही हमें ये फंदे दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही उनको बिना देखे भी ऐसे बिना काउंट किए भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारी रो फाइव है रो वन की तरह पूरी कंप्लीट करनी है वैसे ही हमने बना के। तो इसमें क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब आ गई हमारी रो सिक्स। रो सिक्स को हमने सेम बनाना है रो टू की तरह। उल्टे फंदे पे उल्टा फंदा बनाएंगे, सीधे फंदे पे सीधे फंदे बनाते जाएंगे। तो ये बड़ी आसानी से पैटर्न बनता जा रहा है। रो वन और रो टू ये दो जो सिलाइयाँ हैं हमारी स्टार्टिंग की, इन्हीं को हमने छः तक हमने रिपीट करना है। छः सिलाइयों के बाद हमने सेवन्थ सिलाई से हमने पैटर्न को डालना है और फिर एट्थ सिलाई तक ये पैटर्न जाएगा और उसके बाद ये आठ सिलाइयाँ ही हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है जहाँ तक हमारी प्रोजेक्ट की लेंथ हमें चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से आया डिज़ाइन बनकर। अभी छः सिलाइयाँ हमने कंप्लीट की हैं तो ये इस तरह से दिख रहा है। उल्टे फंदे अलग दिख रहे हैं, सीधे अलग दिख रहे हैं। अब आ गई हमारी रो सेवन। तो रो सेवन को देखिए ध्यान से किस तरह से हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ये देखें, एजिंग का एक फंदा हमने छोड़ के दो, एक दो तीन
और ये वाले तीन छह फंदे हैं ना, तीन तीन का ये डिज़ाइन है, तीन इस तरफ के तीन उस तरफ के। देखिए उसमें हमने केबल डालनी है। पहला फंदा एजिंग हमने स्लिप किया, अब पीछे के तीन फंदे हमने आगे की तरफ ट्विस्ट करने हैं। तो पीछे से इस तरह से हमने यहाँ से तीन फंदे उठाने हैं। राइट नीडल पे हमने तीन फंदे ले लिए लेफ्ट साइड से। अब ये अगले जो तीन फंदे हैं इनको उतारना है और इस नीडल पे हमने लेफ्ट वाली नीडल पे इसको चढ़ा लेना है। अब हमने क्या करना है, जो पीछे वाले फंदे थे वो हमने आगे वाले तरफ इस तरह से ले आना है। और इनको बनाना कैसे है, इन छह फंदों को जैसे हमने रो वन में बनाया था वैसे ही बनाना है। जैसे रो वन में बनाया था ना वैसे ही हमने फंदों को बनाना है। तो जैसे एक हमने उल्टा बनाना है, धागा पीछे करना है, एक सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे बनाने हैं। जो तीन फंदों का पैटर्न था ना रो वन में वैसे ही हमने रो सेवन में अप्लाई करना है। बस इसमें हमने केबल डाल के या ट्विस्ट करके तीन तीन फंदों को डिज़ाइन को बनाना है। अब देखें ये छह फंदे हो गए, तीन तीन का डिज़ाइन बन गया। अब अगले तीन और ये वाले तीन, इन छह फंदों को हमने तीन तीन करके इनको ट्विस्ट करना है इस तरह से। यूँ करके पीछे से फंदे तीन उठा के उनको आगे ले आना है और आगे वाले तीन फंदे हमने पीछे वाले तरफ ले जाना है यूँ करके। और इनको बनाना कैसे है, वैसे ही जैसे हमारी रो वन थी। एक उल्टा बनाया, फिर आगे एक सीधा आ गया। फिर दो हमारे उल्टे आ जाएंगे। ये आपको फंदे दिखेंगे भी, जो आपको सीधा फंदा दिख रहा है उस पर आपने सीधा बना लेना है, जो उल्टा दिख रहा है उसको आपने उल्टा बना लेना है। उससे भी बड़ी आसानी से हो जाएगा बिना याद रखे। अब देखें फिर से हमारे पास ये छह फंदे रहे हैं, तो इनको भी हमने तीन तीन लेके ट्विस्ट कर लेना है। यहाँ भी हम इसकी केबल बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ट्विस्ट किया तीन तीन फंदों को और उसके बाद हमने रो वन की तरह रो सेवन को कंप्लीट किया। तो सातवीं सिलाई हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब आ जाएगी रॉन्ग साइड हमारी एट्थ रो। तो एट्थ रो को हमने सेम बनाना है, सेम एज रो टू। जैसे दूसरी सिलाई हमने रो टू बनाई थी वैसे ही हमने एट्थ रो को भी बना के इसको कंप्लीट कर लेना है।
ये देखिए हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो गई है। एक बार हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हमने इसको रिपीट करना है, जब इस डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है डिज़ायरेबल लेंथ के अनुसार, तो रो 1 से लेकर रो 6 तक हमने सेम ही बनानी है। और जब रो 7 आएगी तब हमने ये तीन तीन फंदों का केबल बनाया था उसको हमने शिफ्ट करना है। तो उसको शिफ्ट करने से क्या होगा कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो शिफ्ट होती जाएगी केबल की, और बड़ी प्यारी लुक में इस तरह से जो पैटर्न है वो बन कर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिज़ाइन जो है बन के थोड़ा सा श्रिंक होता है जब जिस भी आप प्रोजेक्ट में बनाएंगे इसको, तो इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, जितने भी आप फंदे रखेंगी उससे कम से कम 10 या 12 फंदे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बड़ी आसानी से बन जाएगा और आपकी जो चौड़ाई है प्रोजेक्ट की वो भी कम नहीं होगी। तो ये देखें 8-8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है, और 8वीं सिलाई में जब हमने नेक्स्ट टाइम 6 सिलाइयाँ बनानी है तो 7वीं में उसको शिफ्ट कर लेना है। तो इस तरह से सीधी सीधी जो केबल है ऊपर को इस तरह से डिज़ाइन जाता जाता है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप इस प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में इस पैटर्न को कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कार्डिगन्स बनाइए, लेडीज़ स्वेटर बनाइए, लेडीज़ कोटी बनाइए, जेंट्स स्वेटर्स बनाइए, बेबी के स्वेटर बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कैप्स बनाइए तो भी बड़ी अच्छी लगेगी, दोनों तरफ से इसकी बड़ी प्यारी लुक आती है और है भी ये बड़ा ही आसान। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।